जी प्यारे दर्शकों, इस वेले साडे नाल ने पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के नौजवान प्रधान सरदार सतवंत सिंह जी। आओ इन्हां दे नाल जो भी 550 साला प्रकाश पुरब मौके पाकिस्तान सरकार वालों, औकाफ बोर्ड वालों, पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ियां तैयारियां कीतियां जा रही ने उहदे बारे गलबात करते हैं। जी तुहाडा स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं धन धन साहिब श्री गुरु नानक जी महाराज जी की धरती उत्ते कल तो जिहड़े नगर कीर्तन ते यात्री आए सीगे उन्हां वास्ते पाकिस्तान गवर्नमेंट दे तरफों ते पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी तरफों जी आई नूं आखदे हां ते असीं बहुत बहुत धन्नवादी हां उन्हां दे। इस तों इलावा पाकिस्तान च पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आउण वाले समय में जिहड़ा उपराला चल रहा है धन धन गुरु नानक जी महाराज जी दे 550 करके उहदे वास्ते पाकिस्तान गवर्नमेंट दी तैयारियां ते ETP बोर्ड की साड़ी कमेटी की पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे इंतजाम हो चुके हैं जिदे हर तरह की सहूलत असी संगतान यात्रियों को देवे। इस बारे जोड़ा गुरु नानक जी का मिशन से अमन भाईचारे का वो मिशन पाकिस्तान गौरमेंट बड़े अच्छे तरीके बड़े अच्छे ढंग कर रहा है तो असं उम्मीद करते हैं कि जिमें कल नगर कीर्तन आया इसी तरह इंडिया तो यात्री बाय डायसपुरा की यात्री असं इतने आन तो जोड़ा 550 गुरपुरब है गुरु नानक जी महाराज का ऐसे बड़े ढंग मनाइए जी। पाकिस्तान सरकार वालों, पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों तो बहुत सारिया तैयारियां की जा रही कितनियां संगतां दे इन्हां समागमां दे विच शामिल होने की आस है? पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफों तो 10,000 दे वीज़े दे जारी किए गए हैं। हुण इंडिया की सरकार की तरफों है कि वह किन्नी संगतां इत्थे उन्होंने इत्थे आन देणगे क्योंकि कल भी एक छोटा जिहा इशू होया उन्होंने जिहड़ी पालकी दी बस है वह भी नहीं आन दी। तो मैं उम्मीद करदा, मैं रिक्वेस्ट भी करदा कि 550 जिहड़ा मौका सबनों मिल रहा है यह पाकिस्तान के करके नहीं है, पूरी दुनिया वास्ते यह मौका है। तो जेडे असी 10,000 की वीज़े की गल कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट भी है, मैं उम्मीद भी रखता कि इंडियन गवर्नमेंट 10,000 घट्टो घट्टते यात्रा ने इतने गुरु नानक जी महाराज के दर्शन दीदारे जरूर करा जी। इस वेले प्रधान साहब जिहड़ा पाकिस्तान सरकार वालों करतारपुर साहब कोरीडोर का जिहड़ा 9 तरीक न इमरान खान साहब वालों उद्घाटन किया जा रहा है, ये बारे कुछ दसो। मैं अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा मशहूर हाँ, बहुत ज़्यादा धनवादी हाँ कि जोड़े जोड़े फैसले ऐसे कौम वास्ते करते हैं। मैं नहीं लगता कि इस तरह के फैसले कितने होर होते हैं क्योंकि तुहानू भी पता है असं इतने रहने वाले हाँ तो इतने रह के असी इस पाकिस्तान से रह के असी प्राउड फील करते हैं क्योंकि शायद कोई सगा पाई भी किसी वास्ते कुछ इतना ना करे जितना पाकिस्तान गवर्नमेंट PM साहब साढ़े वास्ते इस कौम वास्ते इन्ना वड्डा करतारपुर कोरीडोर का गिफ्ट सानू दे देता। जो तो 72 साल तो जी अरदासा हो रही ने वो गुरु महाराज के करके हूँ 9 नवंबर में गुरु महाराज की कृपा नाल उद्घाटन भी होएगा। तो मैं सबनों पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सबनों अपील करदा कि इतने तुम होम हुमाओ और गुरु नानक महाराज दियाँ खुशियां प्राप्त करो। 550 साल प्रकाश पुरब मौके देश विदेश तो संगत पहुँच रही ने उन्होंने ना कोई सुनेहा कोई संदेश देना चाहोगे कमेटी वालों? मैं पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के बिहाफ से सारी सिख कौम जगत को यही बेनती करदा कि जिहड़ा सिख कौम है इस सिख कौम को सिखी को वधाना चाहिए ना कि इस सिखी तो लोग सियासत लोग पॉलिटिक्स तक लैके जाते हैं। मैं सारी संगतों सारे जिन्हें ये कमेटियां है सबनों मैं अरदास बेनती करदा कि इस चीज़ को ना सियासत में ना लेके जाओ बल्कि इस सिखी को वधाना चाहिए। लोग सिखी को जड़ा तो कटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारी सिख कौम को यह चीज़ लोड़ है कि असी एकता इतफाक च रह के। मैं तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो उसकी टीम आई थी मैं उन्होंने भी कहा कि असी कमेटी साड़ी तो कमेटी जी है वड्डी कमेटी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साड़ी यह कोशिश है कि असी रल मिल के गुरुतामा की सेवा करिए सत्संग की सेवा करिए। तो आने वाला समा धन धन साहिब श्री गुरु नानक जी महाराज जी का जोड़ा 550 गुरपुरब है यह असी मिल के बड़े आन शान नाल मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। सो प्यारे दर्शकों, ये सब साढ़े नाल पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार सतवंत सिंह जी, रुपिंद्रपाल सिंह डिंपल दे नाल जसवंत सिंह जस श्री ननकाणा साहब तो। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन हुआ। सिख धर्म के बानी महान दार्शनिक कुल दुनिया के राह दसीरे श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश दिहाड़े दियां संसार भर के कोने कोने विच वसदियां संगतां नूं लख लख मुबारकां। आओ गुरु साहिब दे दरसाए मार्ग ते चल के अपना जीवन सफला करिए, कुदरत बचाइए अते मनुखता दे हानी बनिए।
इस महान अवसर ते अजीत वेब टीवी दी टीम अपने दर्शकां नूं श्री गुरु नानक देव जी दे 550वें प्रकाश दिहाड़े ते होण वाले समागमां दी लगातार पेशकारी दिखा के रूहानियत दे रंग नाल जोड़ेगी। सो लगातार वेखते रहो अजीत वेब टीवी।